नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ विवेक। कर्नाटक के बेंगलुरु में एरो इंडिया शो 2021 का आज दूसरा दिन था। बुधवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में एरो इंडिया के 13वें संस्करण का उद्घाटन किया था। आज शो के दूसरे दिन भी भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमानों ने हवा में गजब के करतब दिखाए। हेलीकॉप्टर से लेकर फाइटर जेट्स तक ने अजब गजब करतब आसमान में दिखाए और हर करतब अपने आप में लाजवाब था। जिसने देखा वो हैरान रह गया। कई लोगों ने इस खूबसूरत नजारे को अपने कैमरे में भी कैद कर लिया। इस दौरान बीजेपी के सबसे युवा सांसद तेजस्वी सूर्या भी एयरफोर्स पायलट की ड्रेस में नजर आई। इसके बाद उन्होंने भारत में निर्मित तेजस लड़ाकू विमान में उड़ान भरी। दरअसल तेजस्वी सूर्या बेंगलुरु से ही लोकसभा के सदस्य हैं और इस बार एरो इंडिया शो भी वहीं पर हो रहा है, जिस वजह से आज सुबह वो एरो इंडिया में पहुंचे। इसके बाद बाकायदा उन्होंने एयरफोर्स पायलट की ड्रेस पहनी और एक अनुभवी पायलट के साथ पीछे की सीट पर बैठकर LCA तेजस में उड़ान भरी। उड़ान भरने के बाद तेजस्वी काफी खुश नजर आए। बाद में उन्होंने शो में शामिल अन्य स्वदेशी विमानों, हेलीकॉप्टर्स और हथियारों को भी देखा और उसके बारे में जानकारी ली। LCA तेजस इज अ सिंबल ऑफ आत्मनिर्भर भारत, द विजन ऑफ आवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। दिस वर्ल्ड क्लास स्टेट ऑफ द आर्ट फाइटर एयरक्राफ्ट इज इंडिजीनियसली डेवलप्ड, designed and developed by DRDO, ADA and the amazing committed scientists of our country and produced and manufactured by our very own HAL in Bengaluru, LCA Tejas is a beacon of the scientific excellence and capabilities of India. I am extremely delighted today that I got an opportunity to fly in this wonderful fighter jet. It's a experience of a lifetime. LCA Tejas is Bangalore's gift to India. चीन और पाकिस्तान के साथ चल रहे विवाद के बीच भारत लगातार अपनी रक्षा तैयारियों को मजबूत कर रहा है। इसके अलावा भारत की कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा उन्नत तकनीकी के लड़ाकू विमान और हेलीकॉप्टर्स देश में ही निर्मित हो। इसी वजह से हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने LCA तेजस को विकसित किया है। इसका पूरा नाम लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस है, जो वायुसेना के साथ नौसेना के भी काम आता है। इसकी खूबियों को देखते हुए इसे भारत का राफेल कहा जाता है। एरो इंडिया के आगाज के साथ ही भारत सरकार ने बुधवार को एक बड़ा सौदा किया, जिसके तहत 83 तेजस विमान वायुसेना में शामिल होंगे, जिनकी कीमत 48,000 करोड़ रुपए के आसपास होगी। वहीं रक्षा मंत्री ने तेजस की दूसरी यूनिट का भी मंगलवार को उद्घाटन किया था, जिस वजह से इसका निर्माण बहुत ही तेज गति से होगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।